शिमला में संजौली मस्जिद से उठी आक्रोश की आग अब कुल्लू तक पहुंच चुकी है। कुल्लू में भी एक मस्जिद हिंदू संगठनों को अवैध लग रही है, जबकि कुल्लू प्रशासन ऐसा नहीं मानता। इसके बावजूद हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर दोपहर तक के लिए कुल्लू शहर बंद करवा दिया। देवभूमि में अवैध मस्जिदों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जरा हटके है, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, स्थानीय परंपरा में नृत्य हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नगाड़े बजे और नारे नहीं लगे, नारे भी लगे। कुल्लू की सड़कों पर देवभूमि जागरण मंच और कई हिंदू संगठन आज इसलिए उतरे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अखाड़ा बाजार में बनी मस्जिद अवैध है। इन्होंने प्रशासन से मस्जिद पर एक्शन लेने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने हिंदुओं के प्रदर्शन से पहले ही साफ कर दिया कि कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी मस्जिद अवैध नहीं है। फिर ये प्रदर्शन किस लिए? हमने 30 तारीख तक का समय दिया था कि प्रशासन जो है, जो हमने 5 मांगे रखी थी, मुख्य मांगे जो हमारी 5 थी, उसके खिलाफ जो है उसके अनुसार जो है कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर इनके पास कोई ज्ञापन की एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें सभी के साइन होते हैं, अगर वो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी तो हमें बताया क्यों नहीं? डीसी मैडम को बोला था आप बाहर आ जाइए, मगर उनको अब अगर यहाँ पे जनता नहीं होगी तो किसकी डीसी रहेंगी? वो आम जनता ना हो, आम समाज ना हो, तो शासन जो डिप्टी कमिश्नर का उनके पास रोल है वो किसके लिए? आम जनता के लिए? आम जनता को सुनने के लिए वो बाहर नहीं आ पा रही, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। कि एसडीएम साहब चाहते क्या है? कहां से उनके पास कागज आ गए? 15 दिन पहले तो पेपर कोई थे नहीं, डॉक्यूमेंट कोई नहीं थे। आज एक ड्राइंग दिखा के वो बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सब डॉक्यूमेंट है उनके पास। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से दोपहर तक कुल्लू शहर बंद रहा। पुलिस बल सुबह से ही भारी संख्या में तैनात था, इसीलिए स्थिति नियंत्रण में रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।